यहाँ पर एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 7 है। मेरे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या बोलता है, एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे उस स्क्वायर के साइड को आधा मानते हुए चार सर्कल खींचा गया है। तो बीच में आप क्या देख रहे हैं कि एक एरिया जो है एक ऐसा रह रहा है जो किसी सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताओ। बेसिकली साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर, और वो 14 सेंटीमीटर दो टुकड़े में बट रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी हर एक पीस ये 7 सेंटीमीटर का हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर में से इन चारों टुकड़े के एरिया को माइनस कर देंगे और ये चार पीस, चार सेक्टर अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया स्क्वायर माइनस एरिया सर्कल, जिस सर्कल के लिए रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर का एरिया आपको पता है, साइड इंटू साइड माइनस पाई आर स्क्वायर। साइड कितना है, 14 × 14 पाई 22/7। रेडियस कितना है, 7 × 7 196 माइनस 154 इक्वल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर ये ट्रैक बना हुआ है दौड़ने के लिए, जिस ट्रैक का जो लेंथ वाला पार्ट है ये 106 मीटर है और दो ट्रैक के बीच में अंदर वाला जो ट्रैक है उसके बीच की दूरी है 60 मीटर। फिर क्या है कि ट्रैक की थिकनेस दोनों तरफ है 10 मीटर 10 मीटर। तो पहला पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में पूछता है कि लेंथ ऑफ द ट्रैक, लेंथ ऑफ द ट्रैक ये आपसे पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ द ट्रैक, अगर ये दोनों पार्ट को हम एक जगह काट करके ज्वाइन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा जिसका डायमीटर 60 मीटर हो जाएगा, यानी रेडियस 30 मीटर हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, ये 106 मीटर, फिर ये वाला साइड जो है ये साइड, ये 106 मीटर और प्लस ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस जो कि 2 पाई 22/7 और रेडियस हो गया 30, 212 प्लस 1320/7, इस पूरक को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया बाई 7, इससे इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम 7 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1484 प्लस 1320/7 और ये टोटल में आपका हो गया 2804/7 मीटर। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट टू में आपसे पूछ रहा है कि भैया दो ट्रैक के बीच में जो एरिया है वो कितना होगा। तो हमें क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर सा पार्ट है, देखिए मैं इसे ग्रीन से काट दे रहा हूं तो आपको पता चलेगा ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसका एरिया क्या हो जाएगा, 106 × 10। यहां पर भी तो सेम चीज बन रहा है, उसका भी एरिया यही हो जाएगा। और ये अगर इन दोनों टुकड़ों को काट करके ज्वाइन किया जाए तो ये ऐसे दिखेंगे, ये अंदर वाला पार्ट है और ये इसमें थिकनेस जुड़ गया, इधर 10 इधर 10, यानी एक्सटर्नल डायमीटर आपका हो गया 80 मीटर, यानी एक्सटर्नल रेडियस आपका हो गया 40 मीटर। हम क्या करेंगे, बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं एरिया बिटवीन द ट्रैक, हमें क्या करना है एरिया बिटवीन द ट्रैक निकालना है तो वो हम निकाल लेते हैं। आइए एरिया बिटवीन द ट्रैक्स, एरिया बिटवीन द ट्रैक्स
ये क्या हो जाएगा 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस 106 मल्टीप्लाई 10 प्लस एक सर्कल का एरिया पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 22/7 बड़ा आर 40 का स्क्वायर माइनस छोटा आर 30 का स्क्वायर। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके क्या आ जाना है आप बताइए हमें, ये हो जाएगा 2120 22/7 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 900 यानी क्या आ गया 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 700 और इससे अगर कटाएंगे 7 से 700 को तो ये 100 टाइम्स में कटेगा 2120 प्लस 2200 ये ऐड करके क्या हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब उसमें क्या किया है, यहां पर आप ग्रीन कलर से शेडिंग देख रहे हैं और यहां पर एक सर्कल बना हुआ उसको पूरा शेड कर रखा है, बोलता है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह आधा सर्कल है, इस आधा सर्कल में से हमें इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा और इस सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है तो एरिया सर्कल का आधा माइनस एरिया ट्रायंगल BCA प्लस ये वाला जो सर्कल है उसका एरिया। अब OA रेडियस है तो OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OB भी OD भी रेडियस है। तो OD इस सर्कल के लिए, ये जो छोटा सा सर्कल देख रहे हैं इसके लिए OD डायमीटर है जिसकी वैल्यू 7 cm है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो एक्चुअल रेडियस है इसको मैं कैपिटल R से इंडिकेट कर देता हूं 7, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। निकाल लीजिए हाफ पाई 22/7 रेडियस 7 × 7 ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AB और हाइट क्या हो जाएगा इसका OC और प्लस यहां तो पाई छोटा आर स्क्वायर पाई 22/7 और अगला रेडियस जो है ये वाले सर्कल के लिए वो क्या है 3.5, तो 3.5 × 3.5 ये कैंसिल हो गया, इससे कट गया 11 टाइम्स में 11 × 7 = 77 हाफ। आपका ए बी कितना हो जाएगा, ये चीज 7 है, ये चीज 7 है, तो 7 + 7 = 14 और ओसी क्या है वो रेडियस के इक्वल है यानी वो 7 और ये 3.5 से 7 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कटा 11, 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 38.5 यानी क्या आया 77 माइनस 49 प्लस 38.5 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं माइनस 49 66.5 cm². तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ये एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसका एरिया गिवन है और उसके हर वर्टेक्स पे उसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा गया है और इस तरीके से कि वो उसके साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। कहने का क्या मतलब है कि इस ये जो पूरा साइड है इसका आधा इस सर्कल के लिए रेडियस है, करेक्ट।
और जब ये तीन सर्कल खींचेंगे तो आप बीच में देख रहे हैं थोड़ा सा एरिया जो तीनों सर्कल के बाहर में है वो बचा हुआ है, और आपको उसी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये एक सेक्टर बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें हर एक एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर इसमें से तीन सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ रीजन रहेगा वही आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला √3/4a² जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 17320.5। ठीक, यानी अगर हम बोले √3a² तो ये क्या हो जाएगा 17320.5, और ये 4 यहां डिवाइड में था तो यहां 4 मल्टीप्लाई में चला गया, यानी a² क्या हो जाएगा 17320.5 मल्टीप्लाई 4 और उसके नीचे √3। √3 का वैल्यू क्या यूज करना है वो भी गिवन है, तो कर लेते हैं वो वैल्यू यूज यहीं पर, आगे में ही कर लेते हैं 17320.5 मल्टीप्लाई 4 और √3 का वैल्यू यूज करने बोल रहा है 1.73205। अब डेसिमल हटा लेते हैं, यहां क्या है एक अंक के पीछे डेसिमल है तो यह हटाने के लिए नीचे 10, यहां 2, 2, 4, 1, 5 अंक के पीछे डेसिमल है यानी 1 पे 5 0, 2, 2, 4, 1, 5 ये डेसिमल भी गायब। अब क्या हो गया, ये चीज और ये चीज कैंसल, ये जीरो और ये जीरो कैंसल, तो बचा क्या a² क्या हो गया आपको 4 और उसके ऊपर कितना जीरो, 1, 2, 3, 4 चार जीरो लगा दीजिए, ये आपका 40,000 हो गया, यानी a² क्या हो जाएगा √40,000 यानी 200। यानी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड कितना है 200 cm। अब साइड अगर 200 cm है यानी अगर उसको दो टुकड़े में बांटे तो ये हो जाएगा 100 cm और ये हो जाएगा 100 cm, इक्वल इक्वल बट गया, ये 100 cm ये 100 cm। अब हम बात करें शेडेड रीजन के लिए, एक्चुअली हमें तो वही निकालना है, तो हम क्या करेंगे शेडेड रीजन के लिए बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सर्कल का एरिया माइनस 3 गुना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस 3 गुना सेक्टर का एरिया, एरिया शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल एबीसी माइनस 3 × एरिया सेक्टर। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं 12.2 में। एरिया ट्रायंगल एबीसी तो आपका ऑलरेडी गिवन है 17320.53। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 πr² 17320.53। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एंगल कितना होता है 60 डिग्री हर एंगल, पाई का वैल्यू भी बोलता है 3.14 यूज करना है, 3.14 ही यूज कर लेंगे, और रेडियस अभी हमारे पास क्या निकल के आया था, यही आपका रेडियस हो गया था, तो 100 × 100 60 × 3 180 और 180 से 360 कट जाएगा दो बार में, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, ये 2 जीरो इस डेसिमल को गायब कर देगा तो क्या हुआ, ये कैंसल हो गया, क्या बचा 314 × 50 17320.5 माइनस 1570 और 10, इसमें से माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 17320.5, उसमें से आपको माइनस करना है 15700.50, 2 में से 0 गया तो 2, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 20.5
cm स्क्वायर, यानी शेडेड रीजन का एरिया क्या आ गया आपका, शेडेड रीजन का एरिया आपका आपके पास आ गया 1620.5 cm स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मजेदार सा है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है एबीसीडी, जिसके अंदर 9 सर्कल हैं और हर सर्कल का रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर है। ये रेडियस जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, 7। तो बोलता है कि ये सर्कल 9 बनने के बाद जो एरिया रह जा रहा है सब जगह, उन सारे एरिया का बताओ मुझे क्या होगा उसका टोटल एरिया। तो बेसिकली ये रेडियस 7 है, यानी ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 14। यहां भी ये डायमीटर 14 हो जाएगा और यहां भी ये डायमीटर 14 हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, 42। अब तो आप गेस कर गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया सर्कल, छोटे छोटे सर्कल है 9 बने हुए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, 9 पाई आर स्क्वायर। साइड कितना निकाल लिया आपने, 42 निकाल लिया है ना, तो 42 इंटू 42 9 पाई 22/7 और रेडियस कितना है 7 इंटू 7, ये कैंसिल। 42 इंटू 42 क्या होता है भाई, निकालो, 1764 और ये 154 इतना, उसमें से 154 माइनस कर लिया, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 1 गया 13, 1386, 4 में से 6 गया 8, 5 में से 8 गया 3, सॉरी 5 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं लगे हाथों। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं ड्राइंग बना देता हूं, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ऐसे बना रखा है, आपको एक फिगर दे रखा है ऐसे, यहां पर ए मार्किंग है, यहां पर बी है, यहां पर ओ है और ये डी है, यहां पर एक पॉइंट उन्होंने सी भी दे दिया है और इसको पूरा पूरा शेड कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, आपको बोलता है ओडी 2 सेंटीमीटर है, ओडी 2 सेंटीमीटर और रेडियस जो है, रेडियस बोलता है 3.5 सेंटीमीटर, बोलता है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है, तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया क्वाड्रेंट माइनस एरिया ट्राइंगल डीओबी। क्वाड्रेंट का एरिया 90/360 पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 90/360 पाई कितना है 22/7, रेडियस क्या है 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ, बेस क्या होगा ओबी के इक्वल्स जो कि है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है ओडी के बराबर जो कि कितना है 2 सेंटीमीटर। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन रह रहा है, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं आराम से,
चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसे कट गया चार बार में, 3.5 से 7 कट गया दो बार में, इसे कट गया 11 बार में, 11 इंटू 3.5 38.5 डिवाइडेड बाय 4, और ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा 3.5। एलसीएम ले लेते हैं, 38.5 माइनस 3.5 फोर जा 14, यहां क्या होगा 28.5 डिवाइडेड बाय 4 सीएम स्क्वायर। इसमें क्वाड्रेंट का एरिया भी पूछा था आपसे, तो ये तो आपका निकल गया शेडेड रीजन, ये आपका सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में पूछता है एरिया क्वाड्रेंट, एरिया क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, तो वो आपको दिख ही रहा है कि वो क्या है 38.5 डिवाइडेड बाय 4 सीएम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया, अब क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किया जाए, जरूर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछता भी है। इसमें क्या है कि आपको एक क्वाड्रेंट दे रखा है और ओ ए बी सी एक स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है, तो शेडेड रीजन के लिए क्या करना होगा, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। लेकिन क्वाड्रेंट के एरिया के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो यहां पर जो ये स्क्वायर है उसका डायगोनल ये रेडियस होगा ओ बी, तो स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता है रूट टू इंटू साइड, यानी 20√2, क्योंकि साइड 20 दे रखा है। अब एरिया शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा, एरिया क्वाड्रेंट का नाम यहां पर क्या है, ओ पी बी क्यू ऐसे चल रहा है, माइनस एरिया स्क्वायर कौन सा, ओ ए बी सी। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 90/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस स्क्वायर का एरिया तो आपको पता ही है साइड इनटू साइड, 90/360 पाई की जगह पे क्वेश्चन में बोल रहा है 3.14 ले लो, 20√2 × 20√2, और स्क्वायर के लिए साइड तो मालूम ही आपको 20 × 20, 90 से 360 कटेगा तो चार बार में, रूट टू और रूट टू मिलकर के हो जाता है दो से ये कट जाएगा दो बार में, और दो से ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 × 20 = 200 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 628 माइनस 20 × 20 = 400, यानी 228 सीएम स्क्वायर। तो ये था आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या है कि ये आपको यहां पे थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ये दो आर्क लिया गया है, तो जो बड़ा वाला है उसमें रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला है उसमें है रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया शेडेड रीजन एरिया बिगर सेक्टर, माइनस एरिया स्मॉलर सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता है, θ/360 π, और बिगर सेक्टर के लिए बड़ा रेडियस होगा θ/360 π, छोटे वाले सेक्टर के लिए छोटा रेडियस होगा। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, θ/360 π उठा लेते हैं बाहर, कॉमन r² - r², क्या करना है, वैल्यू डाल देना है। चलिए वैल्यू डालते हैं, और वैल्यू डालते हैं तो
यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ओके थीटा की जगह पर 30/360, पाई की जगह पर 22/7, बड़ा वाला रेडियस आपका 21 है उसका स्क्वायर, छोटा रेडियस आपका 7 है उसका स्क्वायर, क्या हो गया 30/360 इंटू 22/7 और ये कितना हो जाएगा 441 - 49, इससे कट गया 12 बार में 2 से 6 और 2 से 11, तो यहाँ क्या आया 11, यहाँ 6 × 7 और ये कितना होगा माइनस करके 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ 3, 13 में से 4 गया तो 9 और यहाँ बच गया 3, 7 से कट जाएगा 7 × 5 = 35, 4 = 42, 7 × 6 = 42, 2 से कट जाएगा 3 बार में ये 28 बार में, क्या हो गया 11 × 28/3 cm स्क्वायर। थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए आप कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 और 16, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैं इसमें नहीं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो